से पहले आपने हाथ साफ करने हैं, ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है इसका, बहुत अहम है कि हाथ साफ करने हैं। उसके बाद आपने पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देनी है जिसमें आपने पेशेंट को डाइट देनी है। तो प्रॉपर पोजीशन कम से कम 40 to 45-50 degrees पे रख लें इनको, ताकि पेशेंट के लिए एस्पिरेशन के चांस कम हो जाए। तो एस्पिरेशन चांस कम करने के बाद आपने सबसे पहले इनकी एनजी की प्लेसमेंट देखनी है कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अपनी जगह पे है और सही काम कर रही है कि नहीं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सिरिंज लेंगे, ये फीडिंग सिरिंज है जिसे हम डाइट देते हैं, और इसे हम चेक करेंगे कि पेशेंट को पॉप साउंड आ रहे कि नहीं आ रहे, और एस्पिरेट्स चेक करेंगे एस्पिरेट आ रहे कि नहीं आ रहे। तो आप इसको देखते हैं, एस्पिरेट करते हैं, क्या कोई एस्पिरेट्स तो नहीं आ रहे। अगर एस्पिरेट्स नहीं आ रहे तो फिर आप आगे डाइट देंगे इनको। अगर आपको लगता है कि एस्पिरेट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि डाइट पहले वाली ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुई, तो आपने वो वाली डाइट होल्ड करनी है और आपने प्राइमरी डॉक्टर से किसी बंदे से कंसल्ट करनी है कि इसके लिए आपने क्या करना है।